हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है हमारे खेतों से और सुबह के 7 बज रहे हैं। तो मैं आई थी अभी खेत पे मिट्टी लेने के लिए, लीपने के लिए, और नवरात्रि चल रही है तो कल करेंगे कन्या पूजन इसलिए। और देखिए मम्मी वहाँ पे मिट्टी खोद रही है और हम आए थे अभी टेबल से। तो आज का सुविचार भी आपको सुना देते हैं कि जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है, रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाई वही तो इंसान है। तो चलिए अब चल रहे हैं मिट्टी लेके घर पे। और देखिए यहाँ का व्यू कितना मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा। और ये हमारे अभी भाई, हाय बोलो। गुड मॉर्निंग। पूछ ले कैसे हो सब लोग, इधर आओ, कैसे हो सब लोग कमेंट में बताना। और स्कूल क्यों नहीं गए बोला? मम्मा जाइयो। अच्छा चलो अभी। और देखिए मम्मी ने मिट्टी खोद ली है, तो देखिए मिट्टी भर ली है और साइकिल पे ले चलेंगे। तो आप लोग प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर देखते रहना। अभी हीरो लग रहा हूँ। अभी जल्दी जल्दी। तो देखिए हम आ गए हैं रोड पे और चल रहे हैं घर पे। अभी को देखिए जल्दी जल्दी, ये देखो ता। तो देखिए मैं आ गई हूँ घर पे और मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और दूध रखा है, तो वो भी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। और फिर उसके बाद गोबर मिट्टी मिलाएंगे, लीपेंगे आंगन, तो कल होगा कन्या पूजन, कल्याष्टमी। तो देखिए दूध भी मैंने छान दिया है और चाय बन रही है और मम्मी ने तब तक आटा भी लगा लिया है। तो देखिए चाय बन चुकी है और पी लीजिए आप लोग भी सुबह की गर्मा गर्म चाय। और भाई जाएगा लाइब्रेरी तो उसके लिए फिर मम्मी ने आटा लगा लिया, पराठे सेंक देंगी और मैं तब तक गोबर मिट्टी मिला लूँगी। तो आज अभी सब्जी तो बन नहीं पाई, तो अभी चाय पी लेंगे सब लोग और मम्मी उसके लिए टिफिन लगा देंगे, फिर उसके बाद कुछ बनाएंगे अपने लिए। तो चाय तो बन चुकी है और सब लोगों ने पी ली है और मम्मी बना रही हैं पराठे भाई के लिए टिफिन के लिए, और मैं गोबर मिट्टी मिला लेती हूँ लीपने के लिए। तो मैंने तो अभी चाय पी नहीं क्योंकि मंदिर पर जाएँगे पूजा करने के लिए। तो चलिए गोबर मिट्टी मिला लेते हैं। और देखिए ये मिट्टी रखी थी पहले ही की, जो मैंने पहले लीपा था तभी की, ये गेरू, तो ये भी मैंने अब मिला ली है इसी में। और वैसे भी खेत की मिट्टी लेके आते हैं तो ये लाल तो होती नहीं है, लेकिन अब ये गेरू थोड़ी मिला ली तो इससे थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। देखिए गोबर मिट्टी मैंने मिला लिया है और चलिए अब लीप लेते हैं। और मम्मी खाना बना रही, तब तक मम्मी खाना भी बना लेंगे, तब चूल्हे के पास लीपेंगे। तो चलिए जल्दी से लीप लेती हूँ और फिर मंदिर पे भी जाना है। तो कुछ भी होता है मुझे तो तैयारियाँ करनी पड़ती हैं पहले से, क्योंकि खेतों का काम भी चल रहा है और वैसे भी मम्मी फिर खाना आना बनाने लगी और फिर खेत पर भी जाना पड़ेगा, इसलिए तो हम तब तक घर का काम निपटा देते हैं। उधर तो पूरा आंगन मैंने लीप दिया है, बस चूल्हे के पास रह गया। मम्मी ने खाना भी बना लिया तब तक, तो अब चूल्हे के पास भी लीप देती हूँ। और मम्मी ने नई मिट्टी डाल के रख दी है, इसी से चूल्हा पोतेंगे, वो मिट्टी काली भी पड़ गई थी। तो चलिए लीप देते हैं जल्दी जल्दी।
तो देखिए आज तो मैं बिल्कुल सादा ही लीप रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने गोबर मिट्टी मिलाया वैसे ही बारिश जैसा मौसम होने लगा, और वैसे भी थोड़ी जल्दी भी है इसीलिए। और फिर अब आगे लीपेंगे तो डिजाइन वाला लीपेंगे, अब की बार ऐसी लीप रही हूँ। तो देखिए मैंने पूरा आंगन लीप दिया है और धूप भी निकल आई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि बारिश ना होने लगे, ऐसा मौसम ही हो गया था। तो देखिए मैंने नहा लिया है और अब चल रही है मंदिर पे। तो देखिए मैं रेडी होके आ गई हूँ रिंकी के घर पे, तो चलिए चलते हैं पूजा करने। ये हमारी साथ है रिंकी, और ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर, हमारे घर के बिल्कुल पास ही में है। तो अभी हम बस पहुँचने ही वाले हैं, आप लोगों को भी दर्शन कराएँगे। तो देखिए हम आ गए हैं मंदिर में, तो देखिए ये हैं काली माँ। और देखिए ये भी देवी माँ का मंदिर है, इसमें ताला डाल दिया। तो देखिए मैं पूजा करके आ गई हूँ घर पे, और मुझे लगी है बहुत तेज़ भूख, तो मम्मी ने चावल और मट्ठे के आलू बना दिए हैं, तो अब मैं तो खा रही हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। तो आज के ब्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और खाना मैंने खा लिया, पूरा आंगन भी लीप लिया, अब कल करेंगे कन्या पूजन, तो ब्लॉग भी बनाएंगे, आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखना। और देखिए मेरे हाथ में लगी थी, बहुत मुश्किल से लीपा मैंने। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।